हेलो दोस्तों, जैसे हम क्या बना रहे हैं आज? अभी 3 बज गया है, हम चाय बनाएंगे। हम तो रोज दिन ऐसे चाय बनाते हैं 3 बजे। तो अभी हम आ गए हैं किचन में और हम आलू बुंडा बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे आलू बुंडा देखिए। इधर मैं चाय बना रही हूँ, किचन में आ गई हूँ। इसमें हम 3 चम्मच चाय पत्ता डालेंगे। ए 5 मिनट, 5 मिनट, हाँ 5 मिनट हो जाएगा। ओके ओके, 5 मिनट में मेरा चाय और क्या हम बना रहे थे, नाम जानते हैं तुम? आलू बुंदा। हम आलू बुंदा बना रहे, 1 मिनट 5 मिनट के बाद आना, हाँ हो जाएगा। 5 मिनट दे दो हमको समय। और ये सुशीला, वो निकाल दो रे, वो बोला उसको निकालो तो निकालो। मेरा चाय हो गया है, अभी इसको छाकेंगे। दीदी यस बोल, क्या हुआ? रचा हो गया है, अभी हम उसको छानेंगे। दीदी क्या हुआ, छानो? हो गया दिया, जल्दी जल्दी बोली। 3:30 बजे में पियेंगे। हम आलू बुंडा बनाएंगे, तो आलू को हम बॉयल कर लिया है। और इधर ही प्याज है, प्याज हरी मिर्चा है, उसको हम थोड़ा थोड़ा तेल में भूज लिया है। और इधर हम धनिया पत्ता डालेंगे इसमें। और इधर ये नमक है, इसको भी डाल देंगे इसमें। और इसको सानेंगे और इतना बड़ा बड़ा लड्डू जैसे गुली बनाएंगे। और इधर हम बेसन ले लिया है, इसमें डालेंगे। इधर देखिए जीरा पाउडर है 1 चम्मच, और नमक है 1 चम्मच, और हल्दी 1 चम्मच, और मिर्चा 1 चम्मच। इसको हम इसमें डाल देंगे। और ये चिकन मसाला है, हम थोड़ा डालेंगे इसमें। आप लोग डालिए तो डाल दीजिए, ना तो मत डालिए, इसी को डालने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम डालते हैं, अच्छा लगता है ये वाला डालने से। और देखिए हम ये वाला बेसन को लिया है, ये वाला बेसन से बनाने से ना बहुत सुंदर होता है। और जो खुला वाला मिलता है वो इतना अच्छा नहीं होता है, इससे अच्छा होता है। तो इसमें हम इसको हम पानी दे के मिलाएंगे, इसको पतला नहीं करना है, बहुत मोटा भी नहीं और पतला भी नहीं। इसे इसको हम घोल बना लेंगे और इसको भी सान लेंगे। उसके बाद दिखाते हैं तेल में। देखिए हम आलू को इतना बड़ा बड़ा गुली कर लिया। आप लोगों का बड़ा कितना चाहिए इतना बड़ा कीजिए, हम तो इतना बड़ा चाहिए। और इधर बेसन को हम घोल लिए हैं, देखिए इससे इसको हम अभी फ्राई करेंगे। हम उधर तेल रख दिया है, ऐसे में हम रख देंगे।
डीप फ्राई हो गया है, अभी हम निकालेंगे। कितना अच्छा हो गया है। आलू बुंदा रेडी हो गया, चाय भी रेडी हो गया, अभी हम लोग खाएंगे। वो लोग आएंगे के बाद चाय पियेंगे, हम बुलाएंगे उन लोगों को। इसको हम टमाटो सॉस के साथ हम लोग खाएंगे। तो बुलाएंगे ना तो बोलेगा नहीं आए, इन लोग को बुला घंटी मारेंगे, इन लोग को बुलाएंगे पूरा हम लोग का अंदर। ये दे रहा है इधर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हम लोग अभी चाय पी रहे हैं। देखिए मैं आलू बुंदा ले लिए हैं और इधर मेरा चाय और इधर अर्चना आलू बुंदा खा रहे हैं। बुंदा आलू बुंदा तुम जानती है ना बनाने को? आलू बुंदा जानते हैं? हम जब घर गई थी तुम बनाई थी ना, बहुत सारा बोलता है। ओ तुम ना ये मरियम थी, मरियम मरियम ही ना। आलू बनाने में कोई मुश्किल नहीं है, आलू बुंदा बनाने में। आलू को बॉयल करो और प्याज और मिर्चा को थोड़ा फ्राई करो और मिला दो धनिया पत्ता और नमक डाल के मिला दो, और जितना सही चाहिए इतना बड़ा बड़ा गोल गोल बनाओ और बेसन को घोलो। उसमें सिर्फ जीरा पाउडर, मिर्चा और हल्दी और नमक, इसको लगा के घोल। मोटा भी नहीं पतला भी नहीं, मीडियम रहना है। जैसे उसी में चिपक जाएगा आलू में, ऐसे से बनाने से। और तेल में फ्राई करो और खाओ, क्या मुश्किल है? मुश्किल नहीं है। दूसरा चीज़ तो बहुत कुछ क्या क्या करना पड़ता है ना, इसी में सिंपल है। तो ठीक है, आज का ब्लॉग कैसे लगा आप लोगों को? हम लोग का आलू बुंदा, अगर आलू बुंदा को अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इतना ही आज के लिए, बाय बाय।